फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल टॉकिंग मिट्टू में और आप सभी को आने वाले दीपावली की हार्दिक बधाइयां। फ्रेंड्स, हम सभी को पता है कि रंगोली के रंग बिरंगे कलर्स हमारे घरों में पॉजिटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करते हैं, घर में सौभाग्य लाते हैं। यही वजह है कि इंडिया के कुछ भागों में डेली बेसिस पर रंगोली बनाने की प्रथा है। पर दिवाली एक ऐसा फेस्टिवल है कि ऑलमोस्ट पूरा इंडिया दिवाली पर रंगोली बनाना चाहता है और अपने घर में सौभाग्य को आमंत्रित करना चाहता है। पर प्रॉब्लम ये है कि हम में से बहुत सारे लोग चाहते हुए भी दीपावली को रंगोली बनाने की हिम्मत नहीं जुटा पाते, क्योंकि या तो वो हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं या फिर ऐसी रंगोली बना देते हैं कि खुद ही देख के डर लगता है। तो इस दिवाली मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ ऐसी छोटी छोटी टिप्स जिसमें आप रंगोली खरीदने से लेकर रंगोली बनाने तक बहुत कुछ सीखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले रंगोली खरीदने से लेकर के, आमतौर पर हम जब भी रंगोली खरीदने जाते हैं तो हम जो भी हमें कलर्स पसंद आते हैं उसको दुकानदार को बोल देते हैं और वो हमें पैक करके दे देता है। फ्रेंड्स, ये तरीका गलत है, क्योंकि अगर हमने रंगोली खरीदते टाइम सावधानी नहीं बरती और हमने गलत तरीके की रंगोली चुन ली खरीदने के लिए, तो हम कितनी भी मेहनत कर ले हमारे डिजाइन सुंदर नहीं बनेगी। इसलिए रंगोली के सुंदर बनने के लिए स्टार्टिंग होती है रंगोली की सही तरीके से चुनाव से। और रंगोली को सही तरीके से चुनने का सबसे बेस्ट तरीका है कि आप उसे यूं हाथ में ले करके थोड़ा टेस्ट करें, क्या वो भरभराकर गिरता है या फिर आपके हाथ पे चिपकता है। अगर वो हाथ में चिपकता है तो उस तरह की रंगोली से कभी भी आपकी रंगोली अच्छी नहीं बनेगी। अब अगर बहुत ज्यादा भरभरा के गिरेगा, मीन्स रंगोली अगर काफी मोटी है, तो उस केस में भी आपकी रंगोली अच्छी नहीं बनेगी। सबसे अच्छी रंगोली होती है ना तो वो बहुत ज्यादा मोटी हो और ना वो बहुत ज्यादा महीन हो, वो बस बलुई टाइप की होनी चाहिए और जब उसको हाथ से गिराए तो वो इजिली गिरना चाहिए। फ्रेंड्स, अगर हमने रंगोली का चुनाव एक बार सही तरीके से कर लिया तो हमारी 90% प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाती है। उसके बाद तो रंगोली बनाना बहुत इजी है, बच्चों का खेल है। लेकिन अगर रंगोली सही नहीं आई तो थोड़ी मुश्किल आ सकती है। इसलिए इस बार जब आप दिवाली पर शॉपिंग जाएं तो रंगोली को हाथ से छू के उसे टेस्ट करके ही खरीदें। मेरे पास ये कुछ सैंपल्स हैं जिनको मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। देखिए, ये रंगोली है, ये थोड़ी गीली रंगोली है, इसको बगैर मैंने छुए बगैर हाथ से टच किए खरीद लिया था। और देखिए, इसको जैसे ही मैं छूती हूँ तो ये हाथों पे चिपक जाती है। जब ये हाथों में ही चिपक रही है तो मैं इससे कैसे डॉट्स बना पाऊंगी। इसी तरीके से ये रंगोली देखिए, ये इतनी ज्यादा महीन है कि जब हम इससे कोई डिजाइन बनाने की कोशिश करते हैं तो वो प्रॉपरली स्मूथली बन ही नहीं पाता है। इसलिए मैंने कहा कि रंगोली ऐसी होनी चाहिए, बलुई टाइप की होनी चाहिए, मीन्स उसमें थोड़ा बालू टाइप का कंटेंट होना चाहिए और जब हम उसको हाथ से गिराएं तो उसको इजिली गिरना चाहिए। ये बिल्कुल इस तरह से देखिए कैसे झुर करके गिर रहा है। तो अब हमने सही रंगोली का चुनाव कर लिया, हमारी आधी प्रॉब्लम सॉल्व। उसके बाद सेकेंड प्रॉब्लम है कि हमें तो रंगोली बनानी आती नहीं, मीन्स हम आज इस बार इस दीपावली पहली बार रंगोली बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, जो लोग पहली बार रंगोली बनाने जा रहे हैं, गॉडेस लक्ष्मी को अपने हाथों की बनी रंगोली से इन्वाइट करना चाह रहे हैं अपने घर में, तो उनके लिए है ये खास टिप्स। रंगोली बनाने का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है रंगोली का सही तरह से डॉट्स बनाना। अगर हमने डॉट्स प्रॉपरली बना लिए तो रंगोली अपने आप बन जाएगी। जब हम कोई रंगोली का वीडियो देखते हैं तो उसमें तो रंगोली बनाने वाला फटाफट डॉट्स बना देता है, लेकिन एक्चुअल में जब हम बनाने जाते हैं तो कभी भरभरा के एक जगह बहुत ज्यादा सा रंगोली गिर जाती है या फिर गिरती ही नहीं इस तरह। तो उसके लिए रंगोली के डॉट्स बनाने के लिए हम लोग यूज करते हैं कुछ बेसिक टूल्स। जैसे कि ये सबसे पहला टूल जो सबसे ज्यादा रंगोली बनाने वाले लोग यूज करते हैं वो है रंगोली की बॉटल या फिर फेविकॉल की बॉटल। ये एक 10 रुपए या 20 रुपए की फेविकॉल की बॉटल लेकर हम इसके फेविकॉल को दूसरे किसी डब्बे में शिफ्ट कर लेते हैं और बॉटल को अच्छी तरह से धो के सुखा के हम इसमें रंगोली भर के इससे डॉट्स बनाने का काम ले सकते हैं। लेकिन इसके लिए इसको यूज करने से पहले हमें इसके ढक्कन के होल को थोड़ा चौड़ा करना पड़ता है, कुछ इस तरह। जैसे कि मैं यहाँ पर फॉर्क को यूज कर रही हूँ इसके होल को थोड़ा चौड़ा करने के लिए। अब देखिए ये कैसे किस तरह इजिली डॉट्स बनाता है। लेकिन सपोज करिए आपको अभी तुरंत रंगोली बनानी है और आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप रंगोली की बॉटल को खाली करें, तो बने बनाए भी ऐसे बॉटल्स मार्केट में मिलते हैं, लेकिन वो
खाली बॉटल ही हमें 10 रुपए या 20 रुपए का मिलेगा, यहाँ पर फेविकॉल की बॉटल में हम फेविकॉल को भी यूज कर लेते हैं और उसकी बॉटल का भी यूज आ जाता है। पर मान लीजिए कि आपके पास इतना टाइम भी नहीं है कि आप रंगोली बॉटल खरीद सकें या बना सकें, तो उसके लिए ट्रिक नंबर 2, आप बिना बॉटल के प्रॉपर डार्ट्स बनाने के लिए अपने किचन के इन छोटे छोटे प्लास्टिक चम्मचों का यूज कर सकती हैं। देखिए कुछ इस तरह से, अगर आपको बड़े डॉट्स बनाने हैं तो आप बड़े चम्मच ले सकती हैं और छोटे डॉट्स बनाने हैं तो छोटे चम्मच। तो ये बन गए हमारे डॉट्स, ये देखिए। लेकिन मान लिया कि इस समय आपके पास ऐसे छोटे बड़े चम्मच भी नहीं है, फिर तो अब कोई चारा नहीं है, आपको अपने हाथों का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है, सिर्फ 3 या 4 बार आप कहीं और किसी दूसरे कागज पर या पेपर पर ऐसे गिराने की, रंगोली को गिराने की कोशिश करेंगे तो आपसे प्रॉपरली तरीके से रंगोली गिरने लगेगी और आपको एक आइडिया लग जाएगा कि कहां पर और कब कितनी रंगोली गिरानी है एक प्रॉपर डॉट को बनाने के लिए। एक बार जब हमारे डॉट्स सही तरीके से पड़ गए हैं तो रंगोली बनाना बहुत ईजी हो जाता है। उसको हम फिर स्पून या फिर माचिस की तीली, इन सब की यूज से बहुत अच्छी सुंदर सुंदर डिजाइंस बना सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप ये मेरी कुछ डिजाइंस देखें, जैसे कि अपनी इस डिजाइन में मैंने यूज किया है स्पून का, देखिए कितना सुंदर फ्लावर बनाई। और देखिए इस डिजाइन में मैं यूज कर रही हूँ माचिस की तीलियों का, ये देखिए। और ये वाले डिजाइन मैं सिर्फ उंगलियों के यूज से बना रही हूँ। इसके अलावा हम कई बार सुंदर डिजाइनें अपनी बैंगल्स का यूज करके भी बना सकते हैं, जैसे कि ये। लीव्स बनाने के लिए भी बहुत सारी ट्रिक्स होती हैं, जो सबसे इजी ट्रिक है वो मैं आज आपको बता रही हूँ, जो डॉट्स से हम इजीली बना सकते हैं। उसके लिए ये मैंने ली एक माचिस की तीली और डॉट्स पर कुछ इस तरह से चलाया, ये देखिए, ये अब आ गया ना ये प्रॉपर पत्ती की शेप में। गुड, अब आपने सीख लिया फ्लावर और पत्तियां बनाना, उसके बाद तो सिर्फ बैकग्राउंड बनाइए और हो गई आपकी रंगोली तैयार। बैकग्राउंड बनाने के लिए जिस चीज का हम लोग सबसे ज्यादा यूज करते हैं वो है छन्नी। इस तरह की मोटी या पतली छन्नी को भी हम यूज कर सकते हैं और ये देखिए इस तरह से छान के हम इजिली बैकग्राउंड बना सकते हैं। अगर आपको गोलाकार बनाना है तो आप इस तरह से कोई जाली रख के उसके ऊपर छन्नी से छान सकते हैं। अगर आपको चौकोर बनाना है डिजाइन तो आप इस तरह से कुछ कर सकते हैं, तो बाद में आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी बिखरी हुई रंगोली को समेटने के लिए। छन्नी से बैकग्राउंड बनाते टाइम थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, अगर आपको चौड़ा बैकग्राउंड बनाना है तो आप चौड़ी छन्नी ले सकते हैं, आराम से बन जाएगा। लेकिन अगर आपको थोड़ा नैरो बैकग्राउंड पे फिलिंग करनी है तो उस लिए आपको थोड़ी पतली छन्नी लेनी पड़ेगी, इस तरह की पॉइंटेड छन्नी, ताकि रंग यानी रंगोली केवल वहीं पर गिरे जहां पर रिक्वायर्ड है। अगर आप छन्नी का इस्तेमाल ना करना चाहें तो मार्केट में फिलर्स भी मिलते हैं कुछ इस तरह से। हालांकि ऑलमोस्ट जिन्हें कभी कभार रंगोली बनानी होती है उनका काम तो छन्नी से ही चल जाता है। कई बार रंगोली को सुंदर बनाने के लिए हमें अलग अलग कलर्स की जरूरत होती है, मीन्स हमारे पास जो कलर्स हैं उसके अलावा भी हमें कुछ और कलर्स चाहिए होते हैं और वो हमें खरीदने जाना नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास जो भी अवेलेबल कलर्स है उनकी आपस में मिक्सिंग करके वो कलर्स बना लेते हैं। सपोज करिए कि आपको दिया बनाना है, हम उसके लिए थोड़ा येलो थोड़ा ऑरेंज को आपस में मिक्स कर लेंगे तो ये प्रॉपर ब्लेंडिंग होगी येलो और ऑरेंज के बीच की। अब इसी तरह से जब हमें ऑरेंज से रेड पर शिफ्ट करना है तो ऑरेंज और रेड के बीच में हम ऑरेंज और रेड की मिक्सिंग का कलर मिक्स करेंगे ताकि उसकी भी प्रॉपर ब्लेंडिंग हो और अलग से धारियां ना दिखाई दे हमारी रंगोली में। तो फ्रेंड्स इस तरह से हम ब्लेंडिंग करते हैं कई बार अपनी रंगोली को ज्यादा खूबसूरत बनाने के लिए। तो देखिए इस तरह से बैंगल्स का, स्पून का और छन्नी का या फिर इस तरह से प्लेट्स का यूज करके हम कितनी खूबसूरत रंगोली बना सकते हैं और माता लक्ष्मी को अपने घर में वेलकम कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स कैसी लगी आपको ये वीडियो, अगर इसकी कोई भी ट्रिक या टिप आपको पसंद आई हो तभी आप इस वीडियो को लाइक करें। तो आई होप इस दिवाली आप सब पर माता लक्ष्मी की कृपा बरसे और उनका स्वागत आप अपने हाथों से बनाई रंगोली से करें।